राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतवंशियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी, कहा ये पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। गया में कोरोना के कारण पिछले दो सालों से स्थगित भारत और म्यांमार तथा थाईलैंड के बीच विमान सेवा आज से फिर शुरू। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में वृद्धि और मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाया। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरें। राज्य की नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए सीवेज और नालों का गंदा पानी जैविक उपचार के बाद ही गिराया जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के लिए आवेदन पत्र कल से लिए जाएंगे। छात्र 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने इस बार अभ्यर्थियों को SSC GD 2022 की परीक्षा में उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी है। बक्सर में प्रसिद्ध रामरेखा घाट अर्घ्य के लिए तैयार, घाटों पर NDRF की 5 टीमें तैनात। T20 विश्व कप में भारत का मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अंत